नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देख रहे हैं दास सूत्र। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की दिवाली हैप्पी बनाने के बाद मोहन सरकार ने 4.5 लाख पेंशनर्स की दिवाली भी हैप्पी बना दी है। दरअसल 28 अक्टूबर को ही प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाया और 29 अक्टूबर यानी धनतेरस के शुभ मौके पर 4.5 लाख पेंशनर्स को महंगाई भत्ता यानी डीआर देने का भी ऐलान कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने यहाँ पेंशनर्स को 50% डीआर 1 अक्टूबर 2024 से देना तय किया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि 30 तारीख तक मध्य प्रदेश सरकार भी डीआर देने का आदेश जारी कर देगी। अब छत्तीसगढ़ से इसका क्या कनेक्शन है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो रहा था, यानी जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया जा रहा था, तब मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो राज्य पहले डीआर घोषित करेगा वो दूसरे से सहमति जरूर मांगेगा। सहमति से मतलब है पहले राज्य ने जितना डीआर दिया दूसरे को भी उतना ही डीआर देना होगा। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ से 17 अक्टूबर को आए पत्र पर सहमति व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ में 7वें वेतनमान में डीआर 50% और 6वें वेतनमान में 239% कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को ही अपने कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाया है। इसके बाद से पेंशनर्स लगातार डीआर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पेंशनर्स सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जनवरी 2024 से 50% महंगाई राहत दे, अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें 8 महीने का एरियर नहीं मिलेगा, यानी पेंशनर सीधे सीधे नुकसान में रहेंगे। अब देखना यही है कि मध्य प्रदेश सरकार कब डीआर की घोषणा करती है और कब से यह लागू करती है। इस तरह के और भी अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए दासूत्र के साथ। देखते रहिए हमारी वेबसाइट www.dasutra.com। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।